किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले कैसे पता करें कि इसमें क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या कमी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि चलिए जैसे ये फ़ोन पे है, फ़ोन पे मेरे ऐप में इंस्टॉल है, लेकिन ऐप अगर ये इंस्टॉल नहीं भी रहता तब भी मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊँगा इस ऐप में क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या कमियाँ हैं। जैसे आप फ़ोन पे लिए, अगर आप ऑनलाइन UPI करना चाहते हैं तो आप बिना इंस्टॉल किए आप जान सकते हैं कि जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम तीनों में कौन बेस्ट है। तो चलिए मैंने यहाँ से फ़ोन पे को क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये मेरा अपडेट मांग रहा है तो बाद में अपडेट कर लेंगे हम। और इसके बाद ये रेटिंग मैंने अभी तक नहीं दिया है, तो चलिए दोस्तों हम इसे और ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। और जो इसकी रेटिंग है आप देख सकते हैं 4.3 की रेटिंग है ऐप की, तो आप और इसे 7 मिलियन रिव्यूज, मतलब 7 मिलियन लोगों ने रिव्यू दिया है। और ये टोटल ऐप 22 MB का है, आप पूरा डिटेल्स में देखेंगे। और उसके बाद 100 मिलियन से ज़्यादा बार इसे डाउनलोड किया गया है। तो चलिए दोस्तों और हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, तो इसमें आप जो ये रेटिंग देख रहे हैं ये सबसे मैंने है, और आप यहीं से सब कुछ पता लगा सकते हैं कि ये ऐप कितना अच्छा है और कितना ख़राब है और इसमें क्या क्या कमी है। तो इसके लिए जो ये रेटिंग एंड रिव्यू देख रहे हैं हम इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने इस पर एक बार क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद जो इसका ऑल कमेंट है, देखिए जिसने जिसने ऐप को डाउनलोड किया है उसने ये कमेंट करके दिया है कि उसे ऐप ये कैसा लगा यूज करके। तो इस तरह से यहाँ पे ऑल का ऑप्शन है, उसके बाद वो पॉजिटिव है, मतलब इसमें किसने किसने जो है अच्छा चीज़ बताया है, इसमें जो जो अच्छा लगा केवल वही कॉमेंट इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें इसको क्या अच्छा लगा है इसने ये चीज़ लिख के बताया है। आप इसे पढ़ सकते हैं डिटेल्स से, मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल है, उसमें उसको क्या चीज़ मतलब अच्छा नहीं लगा है, जो इतने सारे आदमी हैं इस सब ने इसको ये चीज़ पसंद नहीं आया और सब ने देख सकते हैं एक एक स्टार दिया है। आई वॉज ट्राइंग टू स्कैन ए फोन पे QR पेमेंट एंड अदर UPI QR कोड बट इट डिड नॉट स्कैन। ये कहना चाह रहा है कि मैंने जो स्कैन करता हूँ तो ये प्रॉब्लम आता है QR कोड में, और डिड नॉट स्कैन नहीं कर पाता ये QR कोड, और वेटेड देयर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट, कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब 10 मिनट तक समय लग जाता है। सेवरल टाइम्स देन आई ट्राइड आफ्टर 10 मिनट इट वर्कड, मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद ये चीज़ प्रोसेस होता ही है, ऐसा बता रहा है ये इसने जो ऐप को यूज किया। उसके बाद जो बाकी जो नीचे वाले हैं इसने भी क्या लिखा है, इसे क्या प्रॉब्लम हुआ है ये इसने लिखा है वहाँ पे, नाउ इट डेज फोन पे इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वी वांट टू गेट द रिफंड अनटिल वी रेज द टिकट। ये मतलब इसको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसने लिखा है कि प्रॉपरली जो है फ़ोनपे वर्क नहीं करता है। उसके बाद बाकी भी कमेंटर जो MD शहजाद है इसने भी लिखा है इट इज़ सीरियस इशू विथ द ऐप, बोलता है कि इसने बोला है कि रियली में जो है इस ऐप में इशू है। आई रिचार्ज माई एयरटेल नंबर गॉट, ये लिखा है मोर देन 50 सेम मैसेज फॉर रिमाइंडिंग, मतलब इस आदमी को मैसेज से परेशान है, इसको बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है रिमाइंडिंग का, इसने जो रिचार्ज किया एयरटेल नंबर का और इसे बहुत ज़्यादा मैसेज आता है और इससे ये परेशान है और इससे इसको अच्छा नहीं लगा ये ऐप। इस तरह से यहाँ सुनील CH है, इसने भी लिखा है रियली आई हैड ए बैड एक्सपीरियंस, इसने बोला वास्तव में मुझे बहुत बेकार एक्सपीरियंस मिला विद दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन से आई लॉस्ट माई अमाउंट ऑफ 10K और मैंने अपना 10,000 गवाया है। दो आई रेज माई टिकट आई डिड नॉट गेट एनी वैल्यूड रिस्पॉन्स सिंपली दे। इस तरह से आप पूरा पढ़ सकते हैं कि किसने किसने एक स्टार दिया और उसे क्या क्या कमी लगी है, और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि इस ऐप में क्या क्या कमियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों आपको कमियां बता दिया और जो पॉजिटिव है आपने देख ही लिया इसमें, इसको क्या क्या पॉजिटिव लगा। ऑब्जेक्शन ऐप आई हैव यूज गूगल पे वेल, फोन पे इज वेरी इफिशियंट, इसने बोला है कि मैंने गूगल पे को भी यूज किया पर मुझे फोन पे जो है बहुत अच्छा लगा, इट इज़ वेरी इजी टू यूज और इसे मैं बहुत ईजिली से यूज करता हूँ, फोन पे स्विच हैज मेड अवेलेबल ऑल द डेली नीडेड ऐप्स। और जो ये बता रहा है कि मतलब फ़ोन पे जो है मतलब डेली यूज में से आ जाता है, तो इस तरह से आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें से जो 5 स्टार दिया है, किस किसने 5 स्टार दिया, ये सब आदमी जितने हैं इसने 5 स्टार दिया है इस ऐप को और इसे जो ऐप है बहुत अच्छा लगा है। उस तरह से आप यहाँ पर और इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पर 4 स्टार दिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं इस आदमी ने 4 स्टार दिया और इसने क्या क्या कहा है, इसको क्या कुछ कमी आया जो इसने 5 स्टार नहीं दे के 4 स्टार दिया है। उसके बाद फिर इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ 3 स्टार पे ऑप्शन आएगा, और फिर ये अली अहमद है और इसने लिखा है QR कोड स्कैनर स्कैन द कोड स्लोली, और इसने बोला है कि जो QR कोड है वो स्लोली स्कैन होता है।
तो जिसको जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसने ये चीज़ लिखा है। और जो ये चीज़ होता है दोस्तों, ये बिल्कुल रियली होता है, उसमें कोई फेक नहीं है। और ये जानकारी बिल्कुल हमारे जैसे यूजर्स देते हैं, जिन्होंने जो कस्टमर है जिन्होंने फ़ोनपे को चला रहा है और उसे जैसा भी एक्सपीरियंस लगता है वो यहाँ पे शेयर करता है। और इसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि इस ऐप में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। इस तरह से 2 स्टार कुछ लोगों ने दिया है, इसे बहुत कम अच्छा लगा है, मतलब आधे से भी कम अच्छा लगा है। हैविंग हॉरिबल एक्सपीरियंस सून आफ्टर गेटिंग अपडेट वर्जन, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हैज बीन रिमूव्ड, और उसके बाद अमाउंट डिडक्टिंग एवरी टाइम बिफोर कंप्लीटेशन पर ट्रांजेक्शन नॉट इवन शोइंग इन दिस हिस्ट्री, जो बोलता है जो ऑल हिस्ट्री के मामले में इसने बताया कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो भी, इस तरह से आप पूरा पढ़ सकते हैं, सबको कुछ ना कुछ कमी दिया है, इसीलिए इसने 2 स्टार दिया है। और उसके बाद कुछ लोगों ने 1 स्टार भी दिया हुआ है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि इस फ़ोन में क्या, इस ऐप में क्या क्या कमी है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा है कि इस ऐप से, इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस तरह से आप अदर ऐप्स को भी, अगर यहाँ पे पेटीएम सर्च मारेंगे तो ये पेटीएम भी आ जाएगा। उस तरह से आप यहाँ पे दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, मैंने इसे इंस्टॉल नहीं किया है और इसकी 4.6 की रेटिंग है और फ़ोनपे की 4.3 की रेटिंग है। इससे आप पता कर सकते हैं कि कितना, उससे ये कितना बेहतर है और इसे कितना ज़्यादा आदमी यूज कर रहा है। उसे 100 मिलियन ने डाउनलोड किया था और इसे भी 100 मिलियन ने ज़्यादा से बार डाउनलोड किया गया है। और ये 30 MB की ऐप है और इसको भी आप यहाँ से पूरा डिटेल्स में आप जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, अभी ये इंस्टॉल नहीं है दोस्तों, और फिर इसको नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाने पे देखिए 4.6 की रेटिंग है। और फिर आप इसे यहाँ से क्लिक करेंगे और सेम जैसे आपने देखा, ऑल पे क्लिक करेंगे, पॉजिटिव पे जाएंगे, तो ये 5 स्टार वाले हैं, इसने क्या क्या बोला है। और ये इशू वाला है जिसको प्रॉब्लम हुआ है इस ऐप से, पेटीएम से, उसने अपना अनुभव व्यक्त किया। फिर इसी तरह से यहाँ 5, 4, 3, 2, 1 है। तो इस तरह से दोनों में आप कंपेयर करके सही पता लगा पाएंगे कि दोनों में से कौन सा ऐप बेहतर है और आप सही ऐप यूज कर पाएंगे। सो प्लीज़ दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करें।